अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्केच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं चारकोल यूज़ किया, चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, सॉफ्ट चारकोल आई से स्टार्ट किया मैंने, और जो आउटलाइन है वो मैंने ग्रिड का यूज़ करके बनाई है। उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें बात करेंगे। तो जस्ट सिंपल स्टेप बाई स्टेप सारा मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप देखें एंड इन्जॉय। तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जो आईज वाला पोर्शन है वो सारा डार्क है, इसलिए मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट आई आपने ड्रॉ की थी, सेम टू सेम है 4B एंड सॉफ्ट चारकोल के साथ ये भी आप ड्रॉ करें। Here I'm using HB pencil. Okay, फेस की तरफ हम आ चुके हैं। HB का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइटली शेड करना है, प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, और इसके बाद 4B भी यूज़ करेंगे यहाँ पे डार्क एरियाज हैं। यहाँ पे 4B यूज़ कर रहा हूँ लाइट प्रेशर के साथ, अब प्रेशर अप्लाई नहीं करना। ओके, हेयर आई एम यूजिंग मेकअप ब्रशेस फॉर ब्लेंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप ब्लेंड करने में, उतने ही स्मूथ इफेक्ट आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें एंड देखें।
ओके यहाँ पे 4 भी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डार्क एरियाज हैं, डार्क पोर्शन है, तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना, ज़्यादा नहीं करना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई क्यों नहीं करना। सॉफ्ट चार्कोल यूज़ कर रहा हूँ आईज़ को और डार्क करने के लिए। ओके फिर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ जो पार्ट मैंने डार्क किए हैं। ओके फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कैप की तरफ आए हैं। यहाँ पे मैं 6B एंड सॉफ्ट चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप ये 6B अप्लाई करें, उसके ऊपर चारकोल अप्लाई करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लेंड जब आप करेंगे ना तो इजीली ब्लेंड होगा, माई अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। हेयर आई एम ब्लेंडिंग विद मेकअप ब्रश। ओके यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ
हेयर ड्रॉ करने के लिए, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, ज़रा लाइट ही रखना। ओके, पिछला पार्ट जो है वो मैंने थोड़ा कट कर दिया था, बिकॉज़ मुझे मैं ख़ुद वीडियो में आ गया था रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट्स हैं और जहाँ पे ज़्यादा डार्क्स हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है जो हमने जैसे कैप बनाई थी, पहले हमने 6P का यूज़ किया था, उसके बाद सॉफ्ट चारकोल अप्लाई किया था एंड देन ब्लेंडिंग, तो सेम टू सेम। ओके, यहाँ पे मैं कैप में जो डिटेलिंग है, जो हाईलाइट्स, जो लाइट पड़ रही है, वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम मेरे पास कम था तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने ड्रॉ किया। ये हाईलाइट्स मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर एंड टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर के साथ ड्रॉ की हैं। यहाँ पे मैं हेयर में भी हाईलाइट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वाइट हेयर हैं उनमें भी हाईलाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो फाइनल टचेस रह गए थे फेस में, जो मुझे नज़र आ रही थी जहाँ पे ज़्यादा डार्क्स हैं या जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स हैं, वो सारा फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और कुछ पार्ट्स मैंने कट किए थे बिकॉज उसमें मैं आ रहा था तो ब्लॉक कर रहा था, और ये जो शोल्डर वाला पार्ट है वो से गलत ड्रॉ हो गया था, तो उसको मैंने रेज किया, इसलिए निशान रह गया।